गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई पुचका पुचकी, माई कुल्लू पुल्लू, वॉकअप, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है 7:30, 7:30 के अराउंड हो चुका है। तो आज हम जो 6 वाला बैच था, 6 बजे उठ के जाते हैं ना 7 वाले बैच में, आज उसमें नहीं गए हम। मैंने ये सोचा कि चलो इनकी नींद पूरी होने देती हूँ और थोड़ी सी तबीयत ऐसी है। तो आज हम ना सेकंड ग्रुप में जा रहे हैं। सेकंड ग्रुप इन द सेंस, एक क्लास होती है 7 to 8:30 और दूसरी होती है 8:30 to 10। तो आज हम 8:30 to 10 वाले में जा रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है ना, तो मे बी अदर किड्स मिलेंगे क्योंकि 2 अक्टूबर की छुट्टी होगी बच्चों की जो स्कूल जाते हैं, तो वो भी आज इसमें मिल सकते हैं। तो मुझे अब इनको देना है थोड़ा वार्म वाटर वगैरह, जिससे कि वो कुल्ला वगैरह कर ले, माउथ वॉश वॉश कर ले। ओके, दीवी, ओ दीवी, Thank you.
सो गाइज, आज है वेंसडे और आज हम गए थे जिमनास्टिक क्लास। एंड जिमनास्टिक के आने के बाद इन्होंने अपना मिल्क वगैरह लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, मेडिसिन वगैरह ली। एंड फिर आज हम करते हैं कुछ ड्राइंग, कलरिंग एंड ब्रेन बूस्टिंग, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। डांस क्लास आज इनकी अभी नहीं है, इवनिंग में जाना है इन्हें, तो अभी फिर ये अपनी यही कर रही हैं। एमो ने कुछ ड्रॉ किया है, कैन यू शो इट? एमो ने ये रोबोट ड्रॉ किया है एंड ये वाला भी ड्रॉ किया है एंड कुछ और भी ड्रॉ किया था ना, समथिंग लाइन लाइक दैट समथिंग। ये लाइन ड्रॉ किया है, वेरी गुड बच्चा। ओके ड्रॉ। सो दिविजा दूसरे रूम में है, शी वॉज सेइंग दैट शी विल डू पजल्स, उसको पजल ज़्यादा पसंद आती है ब्रेन बूस्टिंग में, तो वो कर लेगी एंड कुछ कलरिंग कर लेगी। मैं ये सोल्व कर लेती हूँ तब तक। तो गाइज, आज मायरा कर रही है इंग्लिश रीडिंग एंड वो एक ये बुक है, ऑक्सफोर्ड वाली है ना, हाँ लेवल ये क्लास टू की बुक है, तो वो इसमें से स्टोरी रीड कर रही है। इंडिपेंडेंटली ही कर रही है क्योंकि मैंने रीड की हुई है और इतनी सेंस वो कर लेती है। फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो बच्चा यू कैन आस्क मी, ओके, वो पूछ लेती हैं। एंड उसके अलावा मैं बात करूँ दिविजा की, तो हमारी दिविजा भी रीडिंग कर रही है, ऑक्सफोर्ड वाली ही बुक है, बट ये है फर्स्ट क्लास की। सो इसमें से उसने एक पोएम किया है, आई एम अ ड्रमर, और कौन सी बुक की है, ग्रैंडमा लॉस्ट हर ग्लासेस, हाँ तो फर्स्ट चैप्टर ही किया है उसने, तो बस ये रीडिंग की है इंग्लिश में। ये भी करना है, ओके कर लो। सो इसके अलावा नाउ मैथ्स टर्न ना, आफ्टर दिस वी विल डू मैथ, क्योंकि यस्टरडे ना दिविजा भी सो गई थी, वो उसका मैथ भी नहीं हो पाया था अच्छे से एंड मैं भी सो गई थी एंड मायरा इंग्लिश रीडिंग कर रही थी होमोफोन्स वाली बुक, होमोफोन्स, तो आज मैथ करवाती हूँ इनको। वैसे तो साइंस करवानी थी लेकिन मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है क्योंकि साइंस पढ़ाने में मुझे बोलना पड़ेगा कंटिन्यूसली, सो आज मैं साइंस नहीं करूँगी, मे बी टुमोरो आई विल डू साइंस, लेट्स सी, होप सो। तो आज मैं इनको मैथ ही दूंगी, मैथ कर लेंगी ये। तो गाइज, अमायरा हमारी कर रही है अभी मैथ, मैथ में इसने एक सेट लगाया था, ये वाला एक सेट ये अभी लगा रही है। एंड दिविजा सो गई थी बीच में तो उसने मैथ किया नहीं था, अभी आफ्टर वन आवर मैंने उसे उठाया है क्योंकि उसकी तबीयत, उसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, सुलाने में भी मुझे बहुत टाइम लगा था, मुश्किल से सुलाया था मैंने उसे, 2 बजे में ट्राई करने लगी थी, सोते सोते उसको 2:45 बज गए थे क्योंकि खांसी रुक ही नहीं रही थी मेडिसिन देने के बाद भी। एंड अभी फिर मैंने 4:15 के अराउंड उसे उठाया है ताकि वो थोड़ा सा कुछ खा ले, थोड़ा सा पी वगैरह कर ले एंड ताकि फिर वो रात में नहीं सो पाएगी, अगर अब वो बहुत ज़्यादा सो लेगी तो ये भी प्रॉब्लम होगी। तो अभी वो दूसरे रूम में गई है अपनी मैथ की बुक लेने, एम आई यू कंटिन्यू योर वर्क, तो वो अभी थोड़ा सा मैथ का कुछ करेगी और उसको मैं कुछ खाने को, अभी मैंने एप्रिकॉट दिया है उसे एक, ताकि वो उठी है तो उसका मूड थोड़ा सा ना अच्छा रहे, एंड एप्पल रखे हैं मैंने, उसमें से एप्पल स्लाइसेस वो कुछ खा लेगी, इसलिए मैंने काट के रख दिए थे। हमायरा भी खा लेगी कुछ एप्पल और दिविजा भी खा लेगी। आगे में बच्चा ओजो ओजो मेरे पास, आपको भी खांसी आ रही है बेटा, कफ आए ना तो उसको स्पिट करके आना है, ओके ड्राई, ओके। तो अभी मैं थोड़ा सा इनको कुछ खिलाती हूँ ये, और फिर ये दिविजा को इसी वाली बुक में से अगर वो कर पाएगी तो उसे कराऊंगी, एक एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी तो कोई नहीं, उसको फिर फ्री कर दूंगी। विल यू डू दिस बेटा? ओके आई विल गिव यू फ्री टाइम, ठीक है।
अभी ले लेना फ्री टाइम, ठीक है? ओके, अब हैप्पी हो जाओ। ये हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हैप्पी। मैं दीदी को, दीदी का काम कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है? इतना आपका फ्री टाइम है, ठीक है? अभी आप एप्पल खा लो। पीनट से बेटा खांसी आएगी आपको मुन्ना। सेवंथ, इलेवंथ, दिस वन। बिटू, दीवा आप थोड़े से इधर खड़े हो, इधर फैन खींचनी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कराटे क्लास, उसके बाद जाएंगे डांस के रिहर्सल के लिए। तो आएंगे उस टाइम, पता नहीं टाइम रहेगा नहीं रहेगा वीडियो बनाने का। आधी बार याद भी नहीं रहता, स्किप हो जाता है। अभी तो मुझे मेरा ने याद दिलाया कि मोमो वीडियो, तो मुझे याद आया कि चलो मैं शूट कर लेती हूँ। है ना मेरी बेटी, थैंक यू। ये है मेरी बेस्ट डॉटर, एल्डर डॉटर, और ये है मेरी बेस्ट मोनो डॉटर। तो गाइस कराटे क्लास से हम आते हैं जल्दी 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 से, आज नहीं फ्रेश होते हैं, क्लोथ चेंज करते हैं, फिर हमें जाना होता है डांस के लिए। तो वहाँ पे डांस की डेमो के लिए जाती हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आके अपना खाना बनाते हैं। एंड स्टोरी इनकी कल मैंने डे टाइम में ही कर दी थी, तो आज कोई स्टोरी नहीं की मैंने नाइट में। वॉक के लिए भी नहीं गए क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे उन्हें सुलाना था। तो उसके बाद ये सो जाती हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना मैं भूल जाती हूँ क्योंकि अभी सारा है, सब कुछ ऐसे चला हुआ है ना, कभी बीमार, कभी खांसी, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ओ मतलब हम कर रहे हैं अपना मैनेज, बट वीडियो वगैरह वो सब माइंड से स्किप हो जाती हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय, थैंक यू।